strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. हेलो सुपर गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन के जवाब देने वाले। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। सो गाइस, एंड गेम में बहुत से सुपर मर गए, साथ ही साथ विलन भी मर गए, जैसे कि थैनोस, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो। सो क्या हमें फ्यूचर, इनका फ्यूचर क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देम, इनके फ्यूचर में हमें कि दिखेंगे या फिर कोई इनका टाइटल लेगा। सो चलिए जानते हैं। तो एंड गेम लास्ट मूवी थी इन्फिनिटी सागा, जो पूरी करते हुए पूरी 22 मूवीज़ की एक सीरीज, यानी कि यहाँ पे कई सारे सुपर हीरोज की जर्नी भी खत्म होती है, जैसे कि अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर थे ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन। ब्लैक विडो की अभी जो मूवी आ रही है वो उसका प्रीक्वल है, यानी कि मैं ब्लैक विडो की पास्ट स्टोरी दिखने वाली है। अभी तो एमसीयू में सिर्फ कैप्टन अमेरिका जिंदा है, यानी कि वो बूढ़े हो चुकी है, और एमसीयू में अभी स्टैनली भी नहीं है। इसलिए क्या हमें एमसीयू में आने वाली मूवी में स्टैनली की जगह पे कैप्टन अमेरिका कैमियो दिख सकता है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमें अब फ्यूचर में कैप फैल्कन को भी लीड करते हुए दिख सकते हैं, यानी कि वो फैल्कन को गाइड करेगी विंटर सोल्जर की उनकी डिज्नी प्लस के शो की सीरीज़ में। बाकी दो बातें हमारे मेन मुद्दे, क्या टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन कभी वापस आएगा, तो इसका जवाब है नहीं, वो जिंदा नहीं हो सकता, पर उसका टाइटल कोई ले सकता है, जो कि हमने एंड गेम में रेस्क्यू आर्मी में देख चुके हैं। क्या पेपर उसका टाइटल लेगी, या फिर फ्यूचर में मॉर्गन स्टार्क यानी कि टोनी स्टार्क की बेटी, वो भी आयरन मैन बन सकती है। पर अभी तो सब सोच रहे हैं कि आयरन मैन स्पाइडरमैन बन सकता है, पर वो आयरन मैन नहीं, वो आयरन मैन से भी बेटर बनने वाला है, ऐसा आयरन मैन ने कहा। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें आयरन मैन की बहुत सारी यादें दिखने वाली है कि उसने एमसीयू में क्या किया, और अब वो एमसीयू का एक बहुत बड़ा लेजेंड हो चुका है, इसलिए वो एमसीयू में एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने तो आयरन मैन की इस कैरेक्टर को चार चांद लगाया। अब बात करते हैं हमारे विलन यानी कि थैनोस की। तो जब टोनी ने स्नैप किया तब थैनोस की पूरी आर्मी धूल बन चुकी थी, पर हमें यह पता है कि धूल बने हुए लोगों को हम वापस ला सकते, क्या फ्यूचर में कभी कोई स्नैप करके थैनोस को वापस लाएगा। बाकी तो फ्यूचर में हमें थैनोस दिखने वाला है, पर हमें उसका पास्ट दिखने वाला है, जो कि मार्वल वाले ने कन्फर्म कर दिया है कि हमें यंग थैनोस दिखेगा मार्वल की आने वाली द इटर्नल्स मूवी, जो कि आने वाले 2021। तब हमें यंग थैनोस और उसके आगे हमें थैनोस की पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी। और मुझे तो ये नहीं लगता कि शायद कभी थैनोस फ्यूचर में जिंदा हो। तो अब बात करते हैं ब्लैक विडो की। तो अभी जो 2020 में ब्लैक विडो की जो मूवी आने वाली है, वो मूवी ब्लैक विडो के पास्ट पे डिपेंड होगी, यानी कि इसमें हमें ब्लैक विडो का पास्ट देखेगा, जिसमें साथ ही साथ हमें हॉकाई का भी थोड़ा पास्ट दिख सकता है। अभी ब्लैक विडो तो एमसीयू में मर चुकी है, पर अभी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैप्टन अमेरिका जब सोल स्टोन वापस करने गए तो क्या उन्हें सोल स्टोन के बदले ब्लैक विडो की सोल वापस लाए। तो गाइज ऐसा नहीं है, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि थैनोस ने गमारा को मार के सोल स्टोन को वापस किया, तो उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन तबाह क्यों किया, वो सोल स्टोन को वापस करके गमारा को फिर से जिंदा भी कर सकता था। और अभी एक और सवाल, जो गमारा पास से थैनोस के साथ आई थी, क्या वो धूल बन चुकी है, तो इसका सही जवाब है हाँ, वो धूल बन चुकी है, जो कि टोनी ने स्नैप किया था कि पास से जो भी लोग आए वो सब धूल बन जाए, इसलिए वो गमारा भी धूल बन चुकी है। बाकी तो अब जो हमारे सुपर हीरो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, तो ये सुपर हीरो का आगे टाइटल मिलेंगे, जैसे कि अब कैप्टन अमेरिका का टाइटल मिल चुका है फैल्कन, और आयरन मैन का टाइटल अब लेगा स्पाइडर मैन, ऐसा कन्फर्म नहीं हुआ है पर ऐसा हो सकता है। सो गाइस, दिस केज स्टूडियो साइनिंग आउट। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ मुझे यही बताएं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में क्या हमें ग्रीन गॉब्लिन दिख सकता है, और अगले हफ्ते में हमारे सुपर टॉक का एपिसोड थर्ड रिलीज करने वाला, तो उसे देखना भी ना भूलें। डीकेजी लाइफ।